राम जो दाता मुक्ति को संत जपा सत्कार योग
इको खोल दे आवाज को। गुरु रूप, गुरु खालसा, गुरु साधु संगत जी, जितने भी शरीर रल मिल के चवरा तख्ता के मालक कुलियालम के बादशाह हाजरा हजूर जहरा जहूर गुरता गद्दी ते प्रतख विराजमान शब्द गुरु धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की गोद में जिन्हें भी शरीर रल मिल के बैठे हैं, आओ मन बिरतियां एकाग्र करके रसना की पवित्रता वास्ते गज के फतेह बुलाइए। कोई रसना ना वांझी रवे जी, गज के बोलो वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। संगत चो भी आवाज आवे, बेनती है भी रल के कीर्तन करो सारे। ये ना हो जथा बोले मगरों शरीर बोलन, बीबिया वीर चुप रहन। गज के फतेह बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। अज आप उन्हां महापुरखां दी याद विच बैठे हाँ जिन्हां महापुरखां ने सारी जिंदगी ही कीर्तन विच गुजार दित्ती, सारी जिंदगी सारी उम्र सारी जवानी गुरु नानक दे लेखे ला दित्ती। जिन्हां दी बाबत गुरबाणी कहिंदी है ना, कोटन में नानक को नारायण जय चीत। इको खोल बाणी दा फरमान है ना, ना एक चो ना दो चो ना सौ चो ना लखा चो ना हजारा चो करोड़ा की गल कर दिती महाराज ने। कोटन में नानक नारायण जह चीत, करोड़ा चो रूहां विरलिया ने केड़िया, जिन्हां दे वाहिगुरु चित्त विच हिरदे च गज के बोलो सतनाम। बोलो जी सतनाम श्री गुरु, बीबिया बोलो सतनाम वाहिगुरु। आवाज आवे बेनती है, ये रसना दिती है कादे वास्ते, पाप सुहावे जा तो तिर जुल दे सीस सुहावा, चरनी मुख सुहावा जा तो जस गावे। तेरा मुख पवित्रता होना है अगर ये गुरु दे शब्द विच बोलेगा, गज के बोलो सतनाम जियो प्या तो शर्मे। सुनो जी बाणी समझा रही है, कोटन में नानक को नारायण जह चेत, करोड़ा चो एहो जिया रूहां ने रब रंगिया जिन्हां दे हिरदे विच वाहिगुरु दा वास है, बाणी फरमान कर रही है ना, ते जिउंदे भी ओह ने। आपां महापुरखां दी बरसी तां मना रहे हैं पर बरसी ये समझ के ना मनाइए कि चले गए, बरसी ये समझ के ना मनाइए चले गए। असी महापुरशां दीआं अंदर दीआं सोचां नूं बिरतियां नूं सुरतां नूं दिव्य दृष्टि नूं नहीं जाण सकदे। असी तां बरसी ओह मना रहे हैं कि चले गए, ये तां जिन्हां महापुरखां दे स्थानां ते बैठे हैं उन्होंने पुछ के वेखो जिन्होंने उन्होंने 14 साल जिंदगी गुजारी, उन्होंने पुछ के वेखो कि वो चले जाण की बरसी थोड़ी मना रहे ने, वो बरसी कादी मना रहे ने, भी अज भी वो जग उत्ते जिउंदे ने। आखो सतनाम बाणी की कहती है सुनिए तो सही, शरीर चल रहा, हाथ पैर चल रहे, हार्ट बीट चल रही है, अख
अखा देख रही ने असी जिंदे थोड़ी है मरे ही पे जिंदा कौन है भाई क्वेश्चन पुट भाई क्यों कौन सानू सवाल किया गुरबाणी ने जिंदा कौन है महाराज अंसर दिंदे ने सो जीविया ओ जिंदा है सो जीविया जिन मन वसिया सो जिने चित विच मन विच वाहिगुरु वसिया है नानक अमर ना जीवे अच्छा एक गल दसो जी जिहदे चित विच मन विच वस गया ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੋ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਉਹ ਜੂਨਾ ਦੇ ਰਹਿ ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਵੇ ਅਮਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਮਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨੀ ਕਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੀ सदा जिंदगी जाण वाला सदा दुनिया ते रहण वाला वाणी दा फरमान है नाम रहो साधु रहे रहो गुरु गोबिंद वो तो कदे नहीं जांदा तो सदा ही रहण वाला है ध्यान दियो जी इन विचार वाले गौर करियो सवाल कर रही है गुरबाणी वाहेगुरु कदे मरदा है वो कदे नहीं मरदा ते जिहड़ा मरदा नहीं वो कदे जांदा नहीं ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਸਤਨਾਮ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਰਹਿ ਨਾ ਥਾਕੈ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ बरसियां मनाउण दा कारण की है महापुरुषां दीआं गौर करियो इक्को ही कारण है मना उन्हां दी बरसी मनाई जा रही है तेनू याद आ जावे कदी ऐसा कौन अमड़िए जेड़ा मर के भी नहीं कदे मरिया ओ महापुरुष जन ने ना जन्म मरन दो हुंदा नहीं ना ओ जम्मण विच आउंदे ने ना ओ मरन विच आउंदे ने ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਾਰੇ ਪੁਕਾਰੀ ਆਏ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਸਤਨਾ दुनिया तो जा चुके ने शरीर करके नाम जपण वाली रूह आत्मा अवरमदाशी हुंदी है महापुरखां दी कदे नहीं जुन्ना च पैंदी वो सदा संसार ते रहिंदे ने ते बाणी तां ही फैसला करदी है जिउंदे देखे ने किन्ना ने आ प्यार नाल सारे मावां नूं गद के बोलियो
बाणी की फरमान कर रही है। गुर का बचन वसै जी नाले, जल नहीं डोबे तस्कर नहीं लेवे, पाए ना सके जाले। जिन्हां दे अंदर वाहिगुरु परमेश्वर महापुरुषां दा बचन वस गया, गुरबाणी कहिंदी है जल नहीं डोबे, पानी डोब नहीं सकता, तस्कर नहीं लेवे, कोई शस्त्र मार नहीं सकता, पाए ना सके जाले, अग उन्हां नूं साड़ नहीं सकदी। आखो सतनाम सतनाम। ओ नहीं मरदे, ओ तां सदा ही जिउंदे ने। हुण कोई कह दे ध्रुव चले गया दुनिया तों, ध्रुव मर गया, ध्रुव शरीर छड गया, महाराज दी बाणी कहिंदी ओह वी जिउंदा है। क्यों? ओहदे अंदर भी वाहिगुरु दा शब्द वसिया होया। आखो सतनाम। प्रहलाद प्यो ने तां प्रतक ही वेख लिया, हरणाक्ष ने पुत्र तू मेरा नाम जपया कर, जले हरणाक्ष तले हरणाक्ष है, पी हरणाक्ष उसी हरणाक्ष। प्रिया राग दे विच गौर न ध्यान दियो, मेरा नाम जपया कर। कहिंदा पिता जी मैनूं तां इक दा पता है, एको सिमरी है नानका जो जल थल रहया समाए, दूजा काहे सिमरी है जो जन्ना ते मर जाए। मैं ता कालपुरख वाहेगुरु नूं सिमरन है, मैं तैनू को याद करा, तेरा सिमरन क्यों करा, तेरी भगती क्यों करा, तू अज जम्मिया तू कल मर जाना है। आखो सतनाम। बोलिया मैं तैनू सिमरा क्यों, गौर ना ध्यान दे। प्रहलाद का पिता की कह रहा है, पुत्र मैं सिमरिया कर। कहना जी ना, मैं तो राम नु सिमरन है, राम नु। अच्छा, चल दे दरिया च धक्का दिता पिता ने पुत्र नु। पुरिया राग दे विच गौर करियो, चलते दरिया च धक्का दिता, वेखदा तेरा राम बचाउंदा। परमेश्वर ने कमल दा फुल रूप धारिया, प्रहलाद नूं गोद च लै लिया, डुबन नहीं दिता। फिर एक तत्ता थमला कीता, अग दा लाटा मारना लाल सुरख, अज दा थमला है ना, ऐसा तत्ता थमला कीता। कहिंदे प्रहलाद ए तत्ते थंबे नूं जफा पा घुट के। कहिंदा क्यों पिता जी, वेखणा तेरा राम बचाऊ। हुण अग दीआं लाटां मारदा थमला जद कोल जांदा ते सेक पैंदा है प्रहलाद नूं। हुण मन विच इक विचार आया प्रहलाद दे, कहिंदा जे मैं तत्ते थंबे नूं जफा पा लिया ते मैं तां सड़ के राख हो जू। गौर करियो जी, परमेश्वर ने सोचिया जे मेरा भगत डोल गया, अकाल पुरख नारायण नूं कीड़ी दा रूप धार के आना पिया, कीड़ी बनिया तत्ते थंबे ते ना जिते अग दीआं लाटां बलदीआं सी, ऐ कीड़ी तुरी आवे। मन च आया अगर कीड़ी परमेश्वर जी नूं कुछ नहीं होया ते भेजिया तां मैं भी उहदा ही आं। आखो सतनाम। तत्ते थंबे नूं भी घुट के जफा पाया, बर्फ दा ठंडा थार फुल्लां नालों तत्ता थंबला भर गया, अग नूं बचाया। प्रहलाद दी भूआ होलका, करनाक्ष दी भैण, वर मिलिया सी ऋषियां मुनियां वल्लों, या लोई दी बुकल जब तक मारेंगी ना अपने उत्ते उदों तक तैनू कोई अग दी लाट नहीं सार सकदी। हुण प्रहलाद दे हत्थों दुखी है प्यो हरनाक्ष कि मेरा बेटा मेरा पुत्र प्रहलाद
ਆ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਲਕਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੂੰ ਲੋਈ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇੰਜ ਕਰ ਲੋਈ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਗੋਦ ਚ ਪਾ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਲਕਾ ਨੇ ਲੋਈ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਗੋਦ ਚ ਪਾਇਆ, ਅੱਗ ਲਾਈ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਲਕਾ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਸਤਨਾਮ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ? ਨਾ ਉਹ ਮਰਹੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ, ਜਿਨ ਕਹਿ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ। ਉਹ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਰਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹ ਮੈਦਾ ਹੈ, ਜਨ ਪਾਰੇ ਪੁਕਾਰੀ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਕਬਰ ਨਾ ਜੀਵੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਤ ਦੇਖੇ ਜਿੰਨੀ ਹਰ ਹਰ ਪਿਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੀਵਤ ਦੇਖੇ ਜਿੰਨੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਹਰ ਹਰ ਪਿਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਇਆ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਮਾਮਾ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਹਾਤਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਅਮਰ ਮਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ। ਮਰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਾਖਤ ਸਾਖਤ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਉਂਦੇ, ਕੌਣ ਮਰਦਾ? ਸਾਖਤ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ।
ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਤ ਵੇਖੇ ਜਿੰਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਮਰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਵੋ ਸਾਗਤ ਵਾਪਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿਕਾਏ। ਸਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਵੋ, ਸੰਤ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਰੋਵੋ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਖਤ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਮਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਲਓ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਖਤ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਸੰਤ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਖਤ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ। ਉਹ ਕੱਲੇ ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਖਤ ਮਰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਖਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਤਨਾ ਸਾਖਤ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਖਤ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਭਲਾ। ਉਹ ਸਾਖਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੂਰ ਚੰਗਾ, ਅੱਛਾ ਰੱਖੇ ਦੌਰ। ਸੂਰ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਸਾਫ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਖਤ ਬਪਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਲੇਵੈ ਨੌ। ਸਾਖਤ ਜਦ ਮਰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ, ਵਧੀਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਨਾਸਤਕ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਸੂਰ ਮਰ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਚ ਅਫਸੋਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੰਦ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਸਾਫ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰਮਾਨ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਬੈਠੇ ਆ? ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਉਣਾ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਕਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈਏ ਵੀ ਕਦੇ 5 ਵਕਤਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ? ਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕੀ ਫਿਕਰ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬਣਨਾ। ਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਕੀ ਫਿਕਰ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਯਹਾਂ ਬਣਾਏ ਮਹਿਲ, ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਥੋੜੇ ਹੈ, ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲੈ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਹੈ, ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਥੱਕੇ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੱਜਣ ਮਹਿੰਦੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ, ਹੰਪੀ ਵਜਾ ਦੁਮਨੀ ਰੋਵਾ ਚੇਨੀ। ਗਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਗਮ ਇਹ ਆ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਿਲਣਾ ਐਸੀ ਕਮਾਈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਾਨਾ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ
इबादत विच गुजार दिता सब समा, कोई दिसदा ना जगत विच साधु जेड़ा थम दवे दुनिया में, है कोई सहारा देण वाला? ये धरती खड़ी किन्हां दे सिर ते है? कमाई वाले महापुरखां दे सिमरन अभ्यास दे सिर ते खड़ी है। कमाई वाला कोई साधु है जेड़ा दुनिया धरती नूं थम दवे? धरती भी कहती है ना, ना तिस भारे प्रभु दा समान कहंदे। धरती कहती मेरे भार नहीं है, कोठियां महल माड़ियां दा शॉर्टकट विच बेनती कर देवां। धरती कहती भार है मैनू अकिरत घणा दा, जेड़े नाम नहीं जपदे आखो सतनाम, इन्हां दा भार है मैनू भार नहीं दुनिया दा। तुसीं हिसाब ला लिओ किसे जोगे तां असीं की करन जोगे आ, असी तो खुद ही धरती ते भार बने पए, भारी बने। इथे कीता किसे ने वाहिगुरु दा सिमरन कदे? मारे चौंकड़ा नितनेम कीता किसे ने? कदे भी नहीं। कदे अंदर आस लाई है मैं सिमरन च बैठा नितनेम करा, मैनू सतगुर आप अठालण आके मैनू प्रतख दीदार देण, महाराज दे दर्शन होण, बस साढ़े तो कारण ने, साढ़े वो लक्षण ने। गल एक ना तू गुरां दी मानदा, उत्तों उत्तों मत्थे टेकदा, मत्थे सारे टेकी जाने, रमाले भी सब चढ़ाई जाने, पर कोई बचन मनण वाला है ना? तैनू बचन की कर रहे ने बाबा फरीद साहब जी? महीना
ਨਾ ਤੂੰ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਨੀ ਮਿਲਿਆ ਅੰਦਰ ਮਨ ਚ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਨੀ ਮਿਲਿਆ ਭੂਆ ਮਾਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਜਾ ਤੇ ਕਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਨੀ ਸਾਲ ਨੀ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਯੁਗ ਹਾਰੇ ਯੁਗ ਬੀਤ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨੀ ਹੋਇਆ मिलन की बरिया दे संजनिया किन्ना चिर हो गया मिले और करियो कई जन्म भए की ही पतंगा मैं बेनती की है ना साल की गल नहीं इतने तक गल जन्मां की आ गई कई जन्म तो कीड़े पतंगे बनता रहा कई जन्म गजमीन पुरंगा कई जन्म पक्षी बनता रहा कई जन्म पंखी सर्प होयो पंछी सप बनता रहा कई जन्म हैबर देख जो ऊट बुद्ध बनता रहा मिल जगदीश मिलन की बरिया चरंका लिहे दे संजरिया आ लास्ट गोल्डन चांस मिलिया तेन वाहेगुरु को मिलन का पर सानू अज मिलन का मन च चा दिया सतना बोलो जी सतना गल तो चा तो मुकनी है ना तेन चा ही नहीं मिलन का अच्छा ही नहीं मिलन की भावना ही नहीं मिलन की भावना हो अंदर मिलन की किन्ना किन्ना नु भावना सी पांच सत साल की उम्र से ध्रुव की भावना सी अंदर मिलन की फिर जंगलों च बैठा है कोई बांह खड़ी करके कह दो जो मन च भावना सी तो परमेश्वर मिलिया नहीं जे भावना सी तो मिलिया है प्रहलाद नु भावना सी ते ओ मिलिया नामदेव नु भावना सी मंदिर चो धक्के मार के बाहर कढ़ता सी मंदिर चो ओ कहिंदे नहीं नहीं जापदा तू मंदिर च बिठल बिठल करन लगे राम राम करन लगे तू साडा मंदिर छुद्र करता गंदा करता मंदिर पंडिता ने की कीता भगत नामदेव नु मार कुट के ना मंदिर दे पिछे पासे सुटता ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचर तो जना का जहरा फिर मंदिर का मूह उदा उदा घूमला गया भगत नाम दे वल मुख होया हंकारी पंडिता नु पिट कर दिती मंदिर ने उठो सतना क्यों उहदे अंदर मिलन का चा सी साडे अंदर मिलन का चा नहीं होया जिदन मिलन का चा हो गया परमेश्वर का खड़ा है तेरी उड़ीक करता है गोविंद पाओ भगत का सुखा एक गल गौर करियो जी उन्हें कपड़े नहीं वेखने तेरे तो तू केड़े कपड़े पा के आया एक गल का मैं स्पष्टीकरण दवा धन्ने ने कपड़े केड़े पाए सी कुर्ता ते चादरा मोटे ते साफा रखे है पर उहदी उड़ीक है नाम धन्ने पत्थरा जो पाया सी सच्ची सरकार भोग रोटियां लाया सी वो पी गया सी लस्सी जेड़ी जावे सी ना खार दी पढ़ चित लाके बाणी सत कर तार दी भगतन धन्ने दिया पासियां रोटियां परमेश्वर ने खादियां बासी लस्सी पीती उन्हें मिलन का चा सी मिल मेरे प्रीतमा जियो तुझ बिन करी मेहमानी साडे अंदर ये अरदास आ जाए किते जिदन ये अरदास आ गई ना उदन असी भी दिन रात भगत कबीर साहब कहिंदे ना कबीर केसो केसो कूकी है ना सोई है असार रात दिवस के कुकने कदू के सुने पुकार अंदर अरदास करो ही केड़ी
जिहड़ी अरदास बाबा बलवंत सिंह जी सिंह सर सौड़े वाले महापुरखा ने की, अंदर आस सी मिलन की ना, ऐसे मिले बस फिर आवागमन मिट गया। की अरदास करनी है, मिल मेरे प्रीत माजिए, आस है कह रविदास आस लग चिर पायो दर्शन देखे। एवें वस्तुआं ना मंगिया करो, किसी संत महापुरशां दे कदे दर्शन करन, कदे उन्होंने मिलाप करन जाओ ना, ते पूर्वले कर्म समझा करो। पूर्व कर्म अंकुर ते प्रगटे पेटे पुरख रस बैरागी में जो अंधेर में तर नानक जन्म जन्म की सोई जागे। किसी महात्मा दे दर्शन करन जाना है, मिलन जाना है, मंग की मंगनी है, गुरु दे चरणा चाहना, मंग की मंगनी है, बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखा कै दुख जेहो नाम, संतोखी उतरे मन की भुख। महाराज ओ नाम दे दे जेड़े नाम दे नाल कदे मौत होवे ना, कदे मौत होवे ना। इत्थे दो सवाल खड़े होंदे ने, भगत साहबान की कविन कहंदे ने, कबीर साहब की कहंदे ने, पुछिए। कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरो ता हर कै द्वार, मत हर पूछे कौन है, बड़ा हमारे बार। इत्थे आ गल कह गए भी मैनू मरन का चा है,
फिर गल अगे की कही है, कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जाने कोई ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। वो कहते मरण का चा भी है ऐसा मौत आवे, दो गल्लां दे अंसर ने सुनियो जी, मरण का चा भी है मन च मौत भी आवे। आप कहने ना लीड़े पाउण दा चा है, गड्डी लैण दा मन च चा है, पर गड्डी भी वधिया हो गई। उन्होंने की गल कही है, मरण का चा भी है, मोहे मरने का चाओ है, मरो ता हर कै द्वार, तेरे द्वारे मौत आवे। कहो जा मरना हो फिर जिथे मौत आऊ, जेड़ी इथे मौत आ जाए, वाहेगुरु के नाम लैण नाल मौत आ जाए, अंदर जपिया मौत आ जाए ना, वो बार बार जमदा मरदा नहीं उठो सतना, वो नहीं जमदा मरदा। बाणी ने ता ही आख्या ना, जीवत पेखे जिनी हर हर समय के हुक्म नाल आप चलना है, क्योंकि होर भी महापुरुष रागी साहबान जिन्होंने हाजरियां भरनिया ने, जिन्ना समा गुरु साहबान ने इसते सैकटरी सत्कार जोड़िया ने बख्शिया गुरु साहब ने, तो समा मुखापित नहीं अगे समा दिता सानू इसे अगे कोई वचन कर सकीए। तो कोटन कोट धन्यवाद साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का, कोटन कोट धन्यवाद महापुरखों का, तो केटीएन चैनल का, गुरु नानक सागर जी उन्होंने का। आओ जी महापुरशों की बरसी पर आए हैं, तो यह ना समझ के आयो कि चले गए बरसी, तो स्टेट सैकटरी साहब अगला समा सुना हाजरियां करो जी प्रवान, मरते क्यों ने तो जिंदे कौन ने, बाणी का फैसला सुनियो। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਆਓ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਸ ਬਚੇ ਨੇ ਅਜੂ ਕੁਛ ਵਿਗੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਈਏ, ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੈ, ਬਸ ਨੂੰ ਸਹੇਲਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਜੀਏ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਪਾਉਣਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵ ਹੋ ਸੁਖ, ਸਹਜੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੋ ਫੇਰਾ, ਬਹੁਤਾ ਫੇਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਂ ਜਾਵਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ
बख्शन हार बख्श लै नानक पार उतार। सानू बख्श ली दाता जी, असी लेखे जोखे करके जे तुहाडे नाल छुटकारा करन दी सोचिए ना भी साडा लेखा कर लो असी छुट जांगे। बाणी कहिंदी है लेखे कतै ना छोटी है, खिन खिन भुलण हर, तू तां पैर पैर ते गलतियां करन वाला तू कितें छुट जाएगा। ते इस लई महापुरखां दी संगत करो ते धन गुरु ग्रंथ साहिब नाल जुड़ो जी। होइयां तमाम भुला चुका दी खिमा बख्शो आ गया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाह।